नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम डेयर इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बात करने वाले पीएम आवास योजना के दो बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों, अपडेट बहुत अच्छी है उन सभी लाभार्थियों के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं आवास योजना का पैसा कब से आने वाला है, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका मार्च के महीने में आवास योजना की जो राशि नहीं आ पाई है, उन सभी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अगर आप लोग पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आवास योजना का पैसा कब तक आ जाएगा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा भाइयों। और भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा सेकंड चैनल यानी जो मैं अपने दूसरे चैनल पर अब अपना फेसिंग वीडियो बनाऊंगा, लाइव वीडियो आकर दिखाऊंगा और आपको जो गवर्नमेंट अपडेट देगी और जो गवर्नमेंट के नए नियम आएंगे उन सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा और कौन सा फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरना है और सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और हैंडल भी मैं कर दे रहा हूँ, चैनल जाकर सर्च कर सकते हैं, योजना संगम करके चैनल का नाम है, आप लोग जाकर सर्च भी कर सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने अधिक से अधिक भाई हो सकते हैं उस चैनल पर जुड़ जाइए, मेरी पहली वीडियो आपको शाम को 7 से 8 बजे आपके लाइव आ जाएगी। तो चलिए भाई, बात करते हैं वो कौन सी अपडेट है पीएम आवास योजना को लेकर जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, जितने भाइयों का मार्च महीने में बकाया था पैसा, इतना जान लीजिए कि उसमें से लगभग 30% लोगों का फेल्ड हुआ है। पैसे लगभग 80 से 70% भेजे गए, यानी 70 से 80% भेजे गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लाभार्थी हैं उन सभी लोगों का पैसा फेल्ड हो चुका है। तो जो 30% कैटेगरी में आते हैं फेल्ड होने वाले कैटेगरी में, तो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे भाइयों का बैंक प्रॉब्लम है और बहुत सारे भाइयों का डीबीटी वेरीफाई नहीं हो पाई है और आधार अपडेट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं जिन्होंने 15 साल से आधार में कुछ भी काम नहीं करवाया था, उन सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अपडेट दी थी पीएम आवास योजना के एक छोटी सी वेबसाइट के तहत में कि 15 साल या 10 साल से ऊपर आपने आधार अपडेट नहीं करवाया तो अपना आधार अपडेट करवा लीजिए, तभी आपको पीएम आवास योजना का पैसा भेजेगी सरकार, या फिर तभी आप बेनिफिशियरी बन सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है और भी बहुत सारी प्रक्रिया चलाई जा रही है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। और भी दोस्तों, जितनी अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से वो सभी लोगों के लिए अब लाभदायक होने वाली है। देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने एक अपडेट कहा है दोस्तों। दूसरी अपडेट जो है, जितने लाभार्थी जो अभी भी इंतजार कर रहे थे उन सभी लोगों का आवेदन कब से शुरू होने वाला है। जो 15 मार्च से स्टार्टअप हुआ था और आप लोगों को पता होगा कि अब आपके नगर में जेई महोदय आना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च से ही जेई का आगमन शुरू हो चुका है, लेकिन अगर 1 अप्रैल से बाद से दोस्तों जितने लोगों का नाम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में जोड़ा गया होगा, यानी जितने लोगों का नाम आवास योजना की प्रक्रिया में जोड़ दिया गया होगा, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। 1 अप्रैल से उन सभी का वेरिफिकेशन यानी जाकर घर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये पीएम आवास योजना के दो बड़े अपडेट हैं कि 1 अप्रैल से बहुत सारा लाभ मिलने वाला है आप सभी लोगों को, यानी जो आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है और जो लोग पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो सेकंड चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप लोग जाकर प्लीज़ विजिट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के कैटेगरी में आएंगे वहाँ पर वो चैनल आपको दिख जाएगा। तो चलिए भाई, आगे मैं आपको डेली अपडेट दूंगा, कम से कम उसमें 1000 लोग जुड़ जाइए। इसमें आप लोग 17000 लोग जुड़े हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है भाइयों, कम से कम उसमें 1000 लोग जुड़े हैं जिससे कि मुझे और भी आगे प्रेरणा मिले, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे पाऊँ। धन्यवाद भाइयों।